Cogdi a sale. अरे ये खंभा बीच में कहां से आ गया? ये खंभा बीच में किसने रखा? हटाओ इसे। सुना नहीं? हटाओ इसे। अबे ओ शेरा, इस खंभे को हटा दे। तो अपन के साथ आओ मेम साहब, तब तक उस बेंच पर बैठ जाते। How dare you touch me? तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? जानते नहीं मैं एक शरीफ लड़की, छोड़ो मुझे। अपन भी शरीफ है रानी, चलो उधर। और एक। थैंक यू। अरे बे तू, अरे रे रे, इज्जत से बात कर भाई। एक तो तुम लोगों की तस्वीर उतारी और कसम खाता हूँ सुबह तक अखबार में भी छपा दूंगा। हाँ तेवर तो देगे साले के, जरा पूछ तो इसका नाम। बोल बे, क्या नाम है तेरा? ए भाई जरा चाकू दूर रखना, लग जाएगा, खराब चीज है। नाम पूछ रहा है, नाम बताता हूँ। मेरा नाम है अजय खन्ना। नाम पूछ रहा था मेरा, मेरा नाम है अजय खन्ना। क्या अजय खन्ना? और पेशा है बिगड़े हुए चेहरों की तस्वीर उतारना। बारे पैसे वालों, दौलत का नशा काफी नहीं, जो शराब की भी जरूरत पड़ जाती है। मेम साहब, ओ मेम साहब उठिए, होश में आइए। बदमाश, छोड़ो मेरा हाथ। अगर मैंने छोड़ दिया तो कोई और पकड़ लेगा। बताइए आपको कहाँ जाना है, पुलिस स्टेशन या घर? घर? इस हालत में मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मैं एक शरीफ लड़की हूँ ना। अच्छा तो आप शरीफ भी हैं? क्यों? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें शरीफ नहीं लगती। जी हाँ जी, आप बिल्कुल शरीफ हैं, लेकिन इतनी सारी शराफत मैं अकेला संभाल नहीं सकता। बताइए आपको कहाँ पहुंचा दो? मुझे किसी होटल में छोड़ दो प्लीज। लेकिन इस हालत में आपको होटल में भी कमरा नहीं मिलेगा। प्लीज मैम साहब, लो हो गई छुट्टी। मैम साहब, इसे अपना घर समझकर आराम फरमाइए। ए, ये तुम मुझे किस थर्ड क्लास होटल में ले आए? ये बेड कितना सख्त है। मैम साहब, ये आपके बाप का महल नहीं है, ये मेरा बेडरूम है। गलत, ये तुम्हारा नहीं, मेरा बेडरूम है। जी अब तुम बाहर जाओ,
मेरे कमरे में कोई दूसरा आदमी नहीं सो सकता। माफ कीजिए, मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। न जाने किस खेत की पैदावार है। What? Oh my God, कितनी गर्मी है। पंखा, पंखा। मेरा लाइटर कहाँ है? अरे मैम साहब, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? गुड मॉर्निंग। आप मेरे कमरे में क्यों आए? मैं रात भी आया था। What? जी हाँ, वैसे ये होटल नहीं, मेरा घर है। आपका घर? लेकिन लेकिन मैं यहां कैसे पहुंच गई? कल रात आपने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, आपसे गाड़ी संभली नहीं और लैंप पोस्ट से टकरा गई। सुनसान सड़क पर कुछ गुंडों ने आप पर हमला किया, इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गया, आपको गुंडों से बचाया और यहां अपने घर ले आया। आपने मेरी जान बचाई? जी हाँ, लेकिन फिर भी आपका नशा उतरा नहीं, आपने मेरे सिगरेट लाइटर से इस कमरे में आग लगा दी। भगवान का शुक्र है कि मैं पास वाले कमरे में था, बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। उसके बाद आपके कपड़े उतारे और कमरे। आपने मेरे कपड़े? जी हाँ मैंने। यानी कि आपने नहीं, नहीं जी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने आंखें बंद कर ली थी। ओह, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। लेकिन मेरे कपड़े? एक मिनट। या। ओह माय गॉड। आई एम सॉरी, इन्हें मैं बचा नहीं सका। लेकिन अब मैं क्या पहनूंगी, घर कैसे जाऊंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे आपको पीने पिलाने की आदत है, एक आध जोड़ा अपनी कार में रख लिया कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं, मैं शराब नहीं पीती। रात आपकी जो हालत थी वो चखने से तो नहीं हो सकती। रात पार्टी में किसी ने मेरे साथ शरारत की, कोई मैं शराब मिलाकर पिलाता रहा और मैं 3-4 ग्लास पी गई। नशा महसूस हुआ तो मैं पार्टी छोड़कर चल पड़ी। गाड़ी रुकने तक तो याद है, बाकी कुछ याद नहीं। कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है। खैर, फिलहाल आपको मेरे ही कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा, अगर आपको इतराज ना हो तो। नहीं नहीं, इतराज तो नहीं, लेकिन अगर आप जरा बाहर जाएं तो मैं। ऑफ कोर्स। ये लीजिए मिस प्रीति। प्रीति, आपका पर्स, गाड़ी की चाबी। थैंक यू मिस्टर अजय। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अजय। ये कपड़े मैं। कोई जल्दी नहीं, बाद में भेज दीजिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। जो एहसान आपने मुझ पर किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू वंस अगेन। सुनिए जी,
मैं एक प्रेस फोटोग्राफर हूं। मैं नहीं चाहता आप ये तस्वीरें अखबार में छपें और आपकी बदनामी हो। आप रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओह, ये है मेरा एड्रेस, कभी घर आइएगा। जी, बाय बाय। सेठ भानु प्रताप, शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी। बोतल का नशा है या जवानी का नशा है या रात की रंगीन कहानी का नशा है। अच्छा, तो आप शायर भी हैं। ओ गॉड, तूने एक इंसान में इतनी सारी खूबियां कैसे भर दी। यू आर वेरी पार्शियल। ये बहादुर भी है, शरीफ भी है और शायर भी है। हैंडसम भी है। गई काम से। देख तो क्या हालत हो गई है तेरी बेचारी। क्यों क्यों, क्या हुआ है मुझे? तुझे नहीं मालूम? नहीं तो? प्रेम रोग। प्रेम रोग नहीं, हैंगओवर। तू मेरी फ्रेंड है या दुश्मन? सच सच बता, कल रात पार्टी में मेरी ड्रिंक्स में शराब किसने मिलाई? हाँ बता, नहीं तो। अरे रे, यार मुझे नहीं मालूम, पर हुआ क्या? होना क्या था, नशे में मेरी गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। सुनसान सड़क पर कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। थैंक गॉड वहां एक शरीफ आदमी पहुंच गया और उसने मुझे बचा लिया। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, वंडरफुल। मगर था कौन वो शरीफ आदमी? उसका नाम पता, नियर ऑपोजिट कुछ तो होगा। ये है वो। ये? हाँ, बेचारी ने न सिर्फ मेरी इज्जत ही बचाई बल्कि मुझे नशे में देखकर अपने घर ले गया। फिर? नशे की हालत में न जाने कहां से उसका सिगरेट लाइटर मेरे हाथ में आ गया। फिर क्या, कमरे में आग लग गई। आग? फिर बेचारी ने आग बुझाई और रात भर मेरी देखभाल करता रहा। खत तेरे की, उसने रात भर तुझे अपने कमरे में रखा और सिर्फ तेरी देखभाल ही की। सत्यानाश। ए माइंड योर लैंग्वेज, वो एक शरीफ आदमी है। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ। वो मेरे डैड के अखबार में प्रेस फोटोग्राफर है। हाँ? अजय खन्ना, निहायत शरीफ, खुददार, कभी किसी का एहसान नहीं लेता। दुनिया में बिल्कुल अकेला है बेचारा। इन्हें कल के एडिशन के लिए प्रेस में दे दो। यस सर। और देखो, यहां से सीधे राजभवन चले जाओ, वहां रशियन डेलीगेट्स आए हुए हैं। अपने पेपर के लिए एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनाओ जो हिंदुस्तान और रूस की मित्रता की यादगार बन जाए। कोशिश तो यही करूंगा सर। नमस्ते अंकल। आओ बेटी आओ। बेटी, ये है मिस्टर अजय, हमारे प्रेस के फोटोग्राफर और रिपोर्टर भी। और अजय, ये है प्रीति, माला की खास सहेली। हेलो। बैठो बेटी। हेलो। बैठो। अंकल, माला कहाँ है? माला तो घर में नहीं है बेटी, बैठो, आ जाएगी अभी, बैठो। जी। लाओ भाई चाय पी जाए। अंकल मैं बनाती हूँ। अच्छा बना। थैंक यू। चीनी? जी जी। कितनी? थोड़ी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं
इतना हिस्सा धोकर अभी अभी आन कर दीजिए। इट्स ओके दे दो आ जाए, तुम्हें यहाँ से सीधे राजभवन जाना है। दीजिए एक मिनट लगेगा, प्लीज दे दो प्लीज। I'm so sorry. It's all right. Uncle, I'm sorry. कोई बात नहीं। I'm sorry. बहुत अच्छी लड़की है, करोड़पति बाप की बेटी है, मगर दौलत का घमंड बिल्कुल नहीं। जी हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। तुम्हें देर हो रही है ना प्रीति? प्रीति बेटी। Oh my God! Oh my God! अब क्या होगा? प्रीति बेटी। जी अंकल, अभी लाए, अभी लाए। Oh God! ये लीजिए, ये मत पहनिए। क्यों? बस ऐसे ही लीजिए। अरे छोड़िए, छोड़िए ना। अरे आपको जल्दी जाना है ना राजभवन? हाँ, लेकिन मैं ये मेरा हाथ। क्या बात है, ठीक हो गया ना? जी हाँ सर, ठीक हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ सर। अंकल मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? माला आती होगी, बैठो। जी I'm sorry. कोई बात नहीं, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जी मैंने। फिलहाल आपको मेरे ही कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा, अगर आपको इतराज ना हो तो। Bye.
सेठ भानु प्रताप की बेटी है। प्रीति बहुत स्मार्ट हो गई। आपने ये तस्वीर देखी? बड़े घर की बेटी है, उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं छपती ही रहती है। बाय द वे, इसके साथ है लड़का कौन? उसके कॉलेज का कोई फ्रेंड होगा। कल अमेरिका से रोहित का ट्रंकल आया था। अरे हाँ, वो यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहता है। 20 लाख का फाइनेंस मेरी तरफ से उसके लिए हमेशा तैयार है। भानु प्रताप जी, कारोबार की बातें तो हो जाएंगी। वो प्रीति के बारे में पूछ रहा था। भाई हमें भी तो रोहित का ही इंतजार है। जिस दिन वो आ जाएगा शादी भी हो जाएगी। देख लिया आपने बेटी को आजादी देने का नतीजा? आज तो सिर्फ द्वारका प्रसाद ने ही ताना दिया है,
कल सारा शहर पड़ेगा कि सेठ भानु प्रताप की बेटी किसी के साथ भाग गई। ओ मम्मी, अखबार वालों को छापने के लिए कोई ना कोई स्कैंडल तो चाहिए। अब देखो ना, इत्तेफाक की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर स्विमिंग के लिए गई थी। हमारे ग्रुप में एक लड़की की मोटरसाइकिल पानी में फंस गई, हम उसकी मदद कर रहे थे, तभी किसी ने ये तस्वीर खींच ली होगी। ये एक बहाना है, जवाब नहीं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ तुम्हारी और उस लड़के की है। बहरहाल मैं फूलों की नुमाइश में इनाम देने जा रही हूँ, आप इससे पूछिए कि वो लड़का कौन है और आपकी बेटी का उससे क्या रिश्ता है। Excuse me, Dad. बेटी, ये महज इत्तेफाक है, यह लड़का वाकई तुम्हारे साथ था। देखो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझसे कुछ न छुपाओ, सच बताओ, वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? ठीक है, अपनी बर्थडे पार्टी में उसे भी बुलाओ, उससे मिलने के बाद ही मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर सकता हूं। अरे ना बाबा ना, मुझे तो शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन मुझे तो है। अच्छा, फिर शादी करेंगे। अच्छा ये बताओ, शादी करके तुम क्या करोगी? आटा गूंधूंगी, बर्तन धोऊंगी, किचन में प्याज काटूंगी और करूंगी। और हाँ, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी और तुम्हारा बिस्तर ठीक करूंगी। और तुमसे प्यारी प्यारी बातें करूंगी और तुम्हारी जान खाऊंगी। और जो तुम कहोगे मैं करूंगी बाबा। पहले तुम डैड से तो मिल लो, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, उनकी तरफ से तुम्हें खास इनविटेशन है। और बेटी की तरफ से प्यार। अरे भाई, डेलीगेशन तो आते ही रहेंगे, मगर क्लब में आना मत भूलिएगा, वरना आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। Many happy returns of the day. Thank you. कितनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करें, अमीरों की महफिल है, डर लगता था, और फिर आज तक किसी बाप से उसकी बेटी का हाथ भी तो नहीं मांगा। इसीलिए तो अब तक कुंवारे हो। अब मैं तुम्हें मम्मी डैडी से मिलाती हूँ। मम्मी, एक्सक्यूज मी, ये है मिस्टर अजय। नमस्ते। हेलो प्रीति, तुमने इन्हीं के बारे में कहा था ना। हेलो, हाउ इज द बर्थडे गर्ल? डैड, ये है मिस्टर अजय। हेलो अजय। हेलो। प्रीति ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। एक्सक्यूज अस, कम अलोंग। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी, लेकिन इजाजत तो आप देंगे। काम क्या करते हो? जी, प्रेस फोटोग्राफर हूं। पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक एक साड़ी की कीमत 8,500 रुपए होती है। जी मैं जानता हूं। और यह भी जानते हो कि आजकल बाजार में आटा दाल किस भाव बिक रहा है? जी जी नहीं। तो फिर जाओ, पूछ कर आओ और बजट बनाकर लाओ कि तुम अपने एक महीने की तनख्वाह में मेरी बेटी को कितने दिन जिंदा रख सकते हो। अजय, क्या बात है, कहां जा रहे हो? मुबारकबाद देने आया था तेरी। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो, पार्टी तो अभी शुरू हुई है।
मेरे लिए खत्म हो गई। Yeah.
आइए आइए सेठ साहब, अंधेरे में आपको तकलीफ तो होगी लेकिन क्या करें, खुशी की तरह बिजली भी हमारी जिंदगी में कभी आती है और कभी चली जाती है। तुम्हारी हैसियत के लिए मोमबत्ती ही काफी है। अपने किस्मत के अंधेरों को हमारे घर के चिराग से रोशन करने का ख्वाब जो तुम देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं समझा नहीं। अगर तुम समझदार होते तो एक तिनका होकर तूफान से टकराने की जरूरत नहीं करते। यही तूफान आपके घर में भी उठा सेठ साहब, और आप इसे रोक नहीं पाएंगे। भरी महफिल में आप अपनी बेटी का फैसला सुन चुके हैं। प्रीति का फैसला सिर्फ एक पागलपन है जिसे वो मोहब्बत समझती है। उससे मिलना छोड़ दो, ये लो। ये कितने का चेक है सर साहब? 50,000। बस अपनी इज्जत पर लगने वाले दाग को मिटाने के लिए मैं 1,00,000 रुपए भी दे सकता हूं। आप 10,00,000 भी दे सकते हैं लेकिन मैंने मोहब्बत की है कोई कारोबार नहीं सर साहब। पर एक बात याद रखिएगा, हम गरीबों की मोहब्बत का ताजमहल आंसुओं से बनता है, आप जैसे सेठों की दौलत से नहीं। आप जा सकते हैं। आज तुम्हारे डैड ने मुझे खरीदने की कोशिश की, कल वो तुम पर सख्ती बरतेंगे। देखो प्रीति, हमारी मुलाकात एक इत्तेफाक थी, अनजाने में हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। तुमसे दूर जाने का दुख तो होगा लेकिन अगर तुम्हारे डैड नहीं चाहते तो हम नहीं मिलेंगे। नहीं अजय, मोहब्बत के सामने जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। मैं डैड को कन्विंस करूंगी। ये रोमियो जूलियट का जमाना नहीं है। आज गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। मैंने अजय से प्यार किया है और प्यार अमीरों की महफिल का जाम नहीं जो गिरकर टूट जाए। अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो, एक मामूली फोटोग्राफर की नौकरी हमारी हैसियत और रुतबे से कम है। उससे कहो कि ये नौकरी छोड़ दे। नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे डैड को मेरी जिंदगी, मेरी पोजीशन घटिया नजर आती है लेकिन मैं जो भी हूं जैसा भी उस पर शर्मिंदा नहीं। बेवकूफ है वो, गरीबी में रहना अपनी शान समझता है। उसको गुर्बत से नफरत दिलाओ, उससे कहो अंधेरों को छोड़ दे और रोशनी में आकर जीना सीखे। मैं उसे अपना घर दामाद बनाने के लिए तैयार हूं। वो हमारे पास रहेगा तो तुम भी हमारे नजरों के सामने रहोगी। नहीं, मैं अपनी नजरों से गिनना नहीं चाहता। तुम अच्छी तरह सोच लो प्रीति, शादी करोगी तो मेरे साथ रहोगी, मैं भूखा रहूंगा तो तुम भी रहोगे, मैं एक रोटी कमा कर लाऊंगा, आधी तुम खाओगी आधी मैं। रोटियां गिनना इस घर के बावर्ची का काम है, होने वाले दामाद का नहीं। आज के बाद मैं यह ना सुनूं कि मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद कर तुम उससे मिलने जाती हो। मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई नहीं रह सकता। कहां जा रही हूं? मैं गलती से समझ बैठी थी कि ये घर मेरा भी है। ये क्या पागलपन है प्रीति? जाने दो इसे, 2 दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी। ये उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं, जवानी जिन्हें नसीब नहीं होती। अगर मेरे नसीब में यही है डैड तो यही सही। Shut up and listen। सेठ द्वारका प्रसाद का लड़का रोहित अमेरिका से वापस आ गया है, मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दी। डैड, कल वो लोग मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए आ रहे हैं। हेलो आंटी। आइए आइए। नमस्ते भाई। नमस्ते जी, आइए। तशरीफ रखिए। आओ बेटा रोहित, आप चलिए बैठिए। भानु प्रताप जी, वर्षों की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल रही है। भाई देर तो आपकी तरफ से थी, हम तो कब से रोहित के अमेरिका से आने का इंतजार कर रहे हैं। अंकल कुछ बिजनेस डील्स फाइनल करनी थी इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा, बट आई मिस्ड यू ऑल वेरी मच। कई बार तो दिल में ऐसा आया कि अमेरिका से फर्स्ट फ्लाइट पकड़ूं, इंडिया आऊं और प्रीति को मिल जाऊं, बट उस वक्त नहीं आ सका। पर आज वहां से ये एंगेजमेंट रिंग प्रीति के लिए लाया हूं, लीजिए। हाउ ब्यूटीफुल इजंट इट? ओह यस। लेकिन कामनी, प्रीति है कहां? उसे बुलाओ तो कि मंगनी की रस्म भी पूरी कर ले। हाँ क्यों ना, क्यों नहीं, जरा देखिए तो। हाँ मैं अभी आई। नमस्ते। तुम? मैं
तुम यहाँ किस लिए आए हो? इसलिए कि आपने प्रीति का बाहर जाना बंद कर दिया है। शायद तुम भूल रहे हो कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज के बाद यही समझूंगा। Shut up and get out from here। चला जाऊंगा सर साहब, लेकिन प्रीति को साथ लेकर। प्रीति को साथ ले जाने वाले तुम कौन होते हो? प्रीति मेरी बेटी है। और बेटी पराई अमानत होती है सर साहब, प्रीति मेरी अमानत है, वो मुझसे प्यार करती है। प्यार, लव, रोमांस, ये सब किताबों में होता है, जिंदगी में नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में है। प्रीति, ये क्या तमाशा है? तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं, अपनी बेटी की खुशियों को पैसों से तोड़ रहे हैं। मम्मी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अजय से प्यार करती हूँ। प्रीति, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। खबरदार, इससे आगे बढ़ी तो। आओ प्रीति, आओ। हे मिस्टर, यू कांट टेक हर अवे। प्रीति मेरी मंगेतर है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। सिर्फ अंग्रेजी तहजीब और हीरे की अंगूठी एक हिंदुस्तानी लड़की का दिल जीतने के लिए काफी नहीं है। किसी दिन घर आइए, सब समझा दूंगा। यू स्वाइन, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हां, रही जबरदस्ती की बात, वो मुझे भी आती है। जोगीदार राम तिवारी, रुक जा, हटो गोरखा। मिस्टर अजय, मेरी मंगेतर को छीनना इतना आसान नहीं समझे। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि भानु प्रताप जी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। मैं पूछता हूं मेरा जुर्म क्या है? शट अप! एक शरीफ आदमी की बेटी को घर से भगाने के बाद अपना जुर्म पूछते हो? बंद कर दो इसे। ठहरिए इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मुझे भगाकर नहीं लाए, मैं खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपके पिताजी ये नहीं चाहते। मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, और ये अधिकार कानून भी मुझसे नहीं छीन सकता। ये क्या शोर मचा रखा है? अच्छा हुआ आप आ गए, आइए मेरे साथ। सेठ जी, आपकी बेटी का स्टेटमेंट है कि वो बालिग है और शादी करना चाहती है, और फिर वो लड़का उसे भगाकर भी नहीं लाया, इसलिए हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा कोई कानून निकालिए जिससे शादी रुक जाए। सेठ जी, ये नोट आप अपने पास रखिए, और आइंदा पुलिस को रिश्वत देने के बजाय अपनी औलाद को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिनका अंजाम सिर्फ शादी होता है। लड़की का बाप मैं हूं इंस्पेक्टर, उसकी शादी कहां करनी है कहां नहीं करनी है इसका फैसला करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। आजकल की औलाद न जाने अपने आप को क्या समझती है। आजकल के माँ बाप भी अपनी औलाद को समझते क्या है? तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहते हैं। डैड, आपको मेरी जिंदगी पर इख्तियार है, मेरी मौत पर नहीं।
प्रीति, ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं, प्यार है। आपने कभी सोचा है कि आपकी औलाद की भी कुछ जिंदगी है? उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है? आप तो हमेशा उन्हें बच्चा ही समझते हैं। हाँ हाँ, बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते। हम बच्चे जरूर हैं, आपकी जायदाद नहीं। हमारी जिंदगी आपकी मिल्कियत सही, लेकिन मौत तो हमारी अपनी है। अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ठीक है, कुछ लोग इस दुनिया में ठोकरें खाकर ही संभलते हैं। अगर ठोकरें तुम्हारी बेटी की जिंदगी में लिखी है तो मैं इससे नहीं बचा सकता। ये दमकते ये सुलगते हुए रुखसार तेरे, आंख भर कर तुझे देखूंगा तो जल जाऊंगा। कितना बेबाक है ये पल कि गुमा होता है। मैं तेरे जिस्म को छू लूं तो पिघल जाऊंगा।
जाता है, मिल जाता है तुमसे मिल गए ना जाने क्यों, तुमसे मिल गए ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है तुमसे मिल गए ना जाने क्यों, तुमसे मिल गए ना जाने क्यों। गिर जाएगा। क्या तुम भी वही सपना देख रही थी जो मैं देख रहा था? तो आओ इस सपने में हकीकत का रंग भर दें। उठो ना प्लीज। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, छोड़ो ना। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या तरीका है जनाब जगाने का? जगाने का नहीं, नींद भगाने का। नींद भगाने का। तुम्हारे गाल पर क्या लगा हुआ? क्या इधर उधर? जी नहीं, मेरी नींद भाग चुकी है। अरे छोड़ो ना। ओहो तैयार हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना है। चला जाऊंगा एक बार। सुनो एक बात कहूं? हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे नहीं बाबा बोलो। इतने दिन हो गए हमारी शादी को, आज मम्मी डैडी से मिलने चले प्लीज। अगर मुझे देर हो गई तो टैक्सी लेकर चले जाना। अकेली? अगर टैक्सी ड्राइवर उड़ा के ले गया तो उसके कान में अपने डैडी मम्मी का नाम ले लेना, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। ओहो छोड़ो ना फजूल बातें, बोलो चलोगे ना? चलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी को मैं ज्यादा पसंद नहीं हूं। बेटी की पसंद से तुम्हारा दिल नहीं भरा? प्यार से किसका दिल भरा है? अच्छा अब तो मुझे जाने दो। ऑफिस से मम्मी को फोन कर देना, कहना हम लोग शाम को आ रहे हैं। अच्छा। हेलो। नमस्ते मम्मी, मैं अजय बोल रहा हूँ। सुनाओ कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ। गुड। प्रीति कैसी है? जी वो भी अच्छी है। कह रही थी बहुत दिन हो गए आपसे मिले, अगर आज शाम आप फ्री हैं तो हम लोग आ जाएं आपसे मिलने। हाँ हाँ अजय जरूर आओ, ये भी कोई पूछने की बात है। ये आपको क्या हो गया है? कुछ तो समझ से काम लीजिए। आज शाम सेठ कैलाशनाथ अपनी बेटी और दामाद के साथ यहाँ खाने पर आने वाले। क्या कहकर उस भिखारी को उनसे मिलवाएंगे आप? ये हमारा दामाद। बहाना बना कर टाल दीजिए। अजय आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अभी अभी प्रीति के डैड ने याद दिलाया कि आज हमें शाम को पार्टी में जाना है। कोई बात नहीं, फिर से। ओफो, कितनी देर कर दी, याद तो है ना आज हमें मम्मी के घर जाना है। भूल कैसे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत में आज तुम्हारी मम्मी के आलीशान घर का सुख नहीं लिखा। क्यों? शायद मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे फोन करने में जरा देर हो गई, तब तक वो लोग बाहर जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। ओह नो, कोई बात नहीं फिर कभी चलेंगे। नहीं नहीं मेरी मैम साहब तो बन ठन कर बैठी हैं, ऐसा करते हैं आज किसी बढ़िया से होटल में जाकर खाना खाते हैं, तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी। जी नहीं, होटल में पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यही घर में खाना बना देती हूँ, क्योंकि हमारे साहब को तो होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि होटल वाले खाने में प्यार नहीं डालते।
बस बस बस, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ। मैं कमिंग सर। आओ आओ अजय, आओ बैठो। शिमला में विंटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स भी हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे पेपर के लिए एक बहुत अच्छा आइटम रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर पर्सनली इसे कवर करो। 15 दिन का अच्छा ट्रिप रहेगा। 15 दिन शिमला में? शादी के बाद मैं तो तुम्हें हनीमून के लिए भी कहीं नहीं ले जा सका। किस सोच में पड़ गए अजय जी? ऐसा खूबसूरत मौका बार बार नहीं आता। ये सर, मैं ये सोच रहा था अगर आप इजाजत दें तो मैं प्रीति को भी साथ ले जाऊं, उसका खर्चा मैं अपने अकाउंट से करूंगा। मैं तो भूल ही गया, नई नई शादी और इतनी लंबी जुदाई। गो अहेड, टेक इट अलोन। और देखो, पैसे की फिक्र मत करो, कैशियर से ले लो, इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझना। थैंक यू सर। दिल पर छुरी चला रही है। अपने दिल पर? ऐसा कसम मत कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें क्यों? इसलिए कि ये दिल अब मेरा हो चुका है। अजय, मैं चाहती हूँ कि हमारा ये दिल इन हसीन वादियों में हमारे प्यार की एक यादगार बनकर रह जाए। और जब हमारा बेटा होगा हम उसे यहाँ लाएंगे। हाँ अजय, और जानते हो ये वादियाँ उसके लिए माँ की गोद जैसी बन जाएंगी, क्योंकि इनमें उसकी माँ का दिल शामिल होगा। तो चलो इस यादगार की एक अच्छी सी तस्वीर ले लेते हैं। लीजिए मैम साहब, ये रहा आपका दिल। हमारा दिल। ये लीजिए आपके बाकी पैसे। एक बात पूछूं? पूछिए। आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं? जी हाँ। भाई कमाल की तस्वीरें खींचते हैं आप। शिमले के नजारे देखते देखते मेरी आंखें बूढ़ी हो गईं, लेकिन आज इन तस्वीरों ने मेरी निगाहों को फिर से जवान कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप हमारे यहाँ मुंह मांगी तनख्वाह पर काम कर सकते हैं। जी शुक्रिया। वैसे मैं फोटोग्राफर ही नहीं, अच्छा बॉम्बे में प्रेस रिपोर्टर भी। अच्छा, फिर भी कभी अगर जरूरत आ पड़ी तो आपको तकलीफ देने से वादा। वादा। थैंक यू। सॉरी दीदी, तुम्हें प्रीति की शादी पर इनवाइट करने का वक्त ही नहीं मिला। तुम तो जानती हो आजकल के लड़के लड़कियां दिन में रोमांस करते हैं और रात को शादी हो जाती है। भाई अमेरिका में तो ये हर रोज की बात है, इट्स हैपनिंग एवरी डे। अपनी रेशमा ने भी तो यही किया। उस दिन घर से पार्टी में गई तो अकेली, वापस लौटी तो जैकी के साथ, कहने लगी हमने शादी कर ली है। ओह आंटी, ये जैतेज है, जैत एंगेजमेंट फट मैरिज। सोचने का टाइम किसके पास है? स्मार्ट बॉय, रेशमा की चॉइस अच्छी है। अच्छा ये तो बताओ कामनी, ये प्रीति का हस्बैंड करता क्या है? ओह अजय, उसके उसके तो बहुत सारे बिजनेस हैं। देखो ना, छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़े अखबार का मालिक है, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, और बहुत ही जल्दी कैमरा बनाने की फैक्ट्री भी स्टार्ट कर रहा है। ओह आंटी, ही इज अ बिग शॉट। बिगर देन मी? हां हां, लेकिन अजीब लड़का है। कहता है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसका तजुर्बा होना चाहिए, इसलिए आजकल उसने फोटोग्राफी शुरू कर दी है। जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरे मॉफर। किधर है वो ग्रेट मैन, वेयर इज ही? आजकल विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए शिमला गया हुआ है। स्पोर्ट्स के पीछे तो पागल है। यू मीन मैड? वंडरफुल,
खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे टू मैड फेलोज, आई मीन दीवाने दो। क्यों डार्लिंग? यस डार्लिंग, इट्स अ मिरेकल, आदमी दो हॉबी एक। मुझे उसे मिलना चाहिए, आई मस्ट मीट हिम। क्यों डार्लिंग? यस डार्लिंग, देन वी मस्ट फ्लाई, हमको शिमला जाना चाहिए। तो तुम्हारी मम्मी यहाँ भी पहुँच गई? अमेरिका से आंटी, उनकी बेटी रेशमा और उसका हस्बैंड आए हुए हैं, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर आज आज रेशमा और जैकी की वेडिंग एनिवर्सरी भी है, मम्मी ने शाम को बुलाया है, चलोगे ना? चलना ही पड़ेगा, मिसेस भानु प्रताप का हुक्म कौन टाल सकता है। ये प्रीति वगैरह अभी तक नहीं आए? वो आते ही होंगे, अजय के इतने सारे बिजनेस हैं, कहीं ना कहीं फंस गया होगा। आंटी, बड़े आदमी हमेशा देर से आते हैं। चलो उनके इंतजार में एक पैग और बना लेते हैं, ओके? लवली। लो वो आ गए। ओह प्रीति डार्लिंग, हाय, हाउ आर यू? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो रिश्मा? अच्छी हूँ, शादी की सालगिरह मुबारक। तुम्हें भी शादी मुबारक। थैंक यू। इज योर हस्बैंड? हाँ। नाइस टू मीट यू। माय प्लेजर। मम्मी, हाय मम्मी। हेलो आंटी। हेलो प्रीति, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाय जैकी। हाय बेबी, हाउ आर यू? इतनी देर कर दी आने में? हाँ आंटी, इनके कुछ गेस्ट आए हुए थे इसलिए देर हो गई। अजय आओ, तुम वहाँ क्यों रुक गए? आओ अजय, मैं तुम्हें इनसे मिलवाऊं। अजय ये मेरी दीदी हैं। नमस्ते। हेलो अजय, और ये इनके सानिल्लो हैं जैकी। हेलो। हेलो। खास तुमसे मिलने के लिए शिमला आए हैं। प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। बहुत वेट करवाया आपने, इतना वेट तो हमने अपनी रेशमा के लिए भी नहीं किया। But no regret, no regret. आइए हम लोग वहाँ बैठकर बातें करते हैं, कुछ ड्रिंक लेते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, you know. मम्मी, डैड कहाँ है? नहीं आए वो? वो कल आ रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स का फंक्शन अटेंड करने। भाई मैं अपने लिए एक ड्रिंक बना के लाती हूँ, प्रीति तब तक जरा मेरे लिए कार्ड्स डील करना। हाँ मैं अभी आई। प्रीति ये लोग खास तुमसे मिलने के लिए शिमला आए हैं और तुम इनकी एनिवर्सरी पर दो पैसे के फूल लेकर चली आई। 4-5 हजार का छोटा सा प्रेजेंट नहीं ला सकती थी? 4-5 हजार? मम्मी आप तो जानती हैं इनकी तनख्वाह कितनी। तो वो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता, अपना स्टूडियो क्यों नहीं बना लेता? जो भी खर्चा होगा तुम्हारे डैड दे देंगे। मिस राज, आपके बिजनेस के बारे में सुना तो आंखें बंद हो गई, आई मीन आंखें खुल गई। क्या सुना आपने? यही कि यू आर अ बिग शॉट, बहुत बड़े आदमी आप, केमिकल्स की फैक्ट्री आपकी और एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के प्रोप्राइटर हैं आप, और बहुत जल्दी आप कैमरा बनाने की एक फैक्ट्री खोलने वाले। भाई अगर आप चाहें तो मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ। नो थैंक्स। नो, लेकिन एक बात बताइए जी, आपको यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे बारे में आपको इतनी सारी बातें किसने बताई? मैंने बताई, अपने लोगों से क्या छुपाना, और फिर सच तो सच ही है। चुप क्यों हो, कुछ बोलोगे नहीं? तुम्हारी मम्मी ने इतना कुछ बोल दिया, अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं। मम्मी की बातों का बुरा मान गए? मुझ गरीब से रिश्ता जोड़कर तुम्हारे डैडी मम्मी को बहुत तकलीफ हुई ना? रिश्ता उन्होंने नहीं, मैंने जोड़ा है। अजीब बात है, फोटोग्राफर मैं हूं लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तस्वीरें खींचती है। मुझे बड़ा बताने के लिए क्या कुछ नहीं कह डाला, कई फैक्ट्रीज का मालिक भी बना दिया। और यह झूठ सुनकर तुम्हारे रिश्तेदार बहुत खुशी होंगे। इन बातों को तुम गलत पहलू से क्यों सोचते हो, अपने लोग कुछ उम्मीद भी तो करते हैं। शायद यही उम्मीद तुम भी करती हो। चलो नाश्ता कर लो। ओहो अभी तक नाराज हो, मम्मी ने अपना समझ के कुछ कह दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज नाश्ता कर लो। मुझे जाना। तो सुनो, तो मैं भी तो तैयार हूँ, मुझे भी विंटर स्पोर्ट्स फंक्शन के लिए जाना है। तुम अपने मम्मी के साथ आ जाना। Thank you.
मुजीज हाजिन, बस अब थोड़ी ही देर में हमारा ये फंक्शन शुरू होने वाला है और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि इस साल के विनर्स को इनाम देने के लिए हमारे क्लब के ऑनरेरी डायरेक्टर शेठ भानु प्रताप जी खास तौर पर बंबई से यहाँ तशरीफ लाए। धन्यवाद। हेलो, क्या ये? आइए भानु प्रताप जी। थैंक यू। नमस्ते। अजय, व्हाट अ सरप्राइज। अरे अजय, तुम यहाँ कैसे हो? ये फोटोग्राफ कैसे ले रहे हो? ओह हॉबी मदर लो, हॉबी। क्या डिवोशन है, क्या जोश है, क्या लगन है, फैंटास्टिक। कम ऑन जैक, एक्सक्यूज मी, आई मस्ट फॉलो माय मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, हेलो भानु प्रताप जी, कैसे हैं ठाकुर साहब? भाई आपने तो शिमला वालों को भुला ही दिया, प्रीति बेटी की शादी कर दी और हमें बुलाया तक नहीं। वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वक्त ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, नहीं बुलाया ना सही, लेकिन अपने दामाद से तो मिलाइए, वो भी आए हैं ना? जी नहीं, वो हमारे साथ नहीं आए। तशरीफ रखिए। अब तो सोसाइटी में उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है, कब तक लोगों से छुपाते रहेंगे कि एक मुफलिस फोटोग्राफर हमारा दामाद है? आज तो किसी तरह इज्जत बच गई, थैंक गॉड, लेकिन कल क्या होगा? तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह उसका स्टेटस बढ़ाना ही पड़ेगा। जिन्हें झोंपड़ों में रहने की आदत पड़ गई हो, महलों में उनका दम घुटता है। महलों में रहता हूं मैं तुम्हारे डरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे मुझे नीचे गिरा दे। माना कि मेरी आमदनी कम है, लेकिन मैं जो कुछ भी कमाता हूं अपनी मेहनत से कमाता हूं, इज्जत से कमाता हूं। एक बात कहूं अजय। क्या? अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए तो इसमें क्या बुराई है? प्रीति, तुम्हें मेरे साथ कोई तकलीफ है? तकलीफ कैसी, मैं तो तुम्हारी तरक्की की बात सोच रही थी। अजय, तुम नौकरी करने के बजाय अपना स्टूडियो क्यों नहीं खोल लेते? मम्मी कह रही थी कि डैड हमें इसके लिए पैसे भी दे देंगे, फिर हम धीरे धीरे उनका कर्जा उतार देंगे ना। ये तरक्की मुझे बख्शिश में नहीं चाहिए। ओ जान, कल हमारे घर एक मेहमान भी तो आएगा, क्या हमें उसके लिए सोचना नहीं चाहिए? आने वाला मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे माँ बाप की नहीं, समझे? प्रीति, मुझे वापस घर ले चलो। ऐसा रहा तुम्हारा शिमला का ट्रिप? फाइन सर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तुम्हारे भेजे हुए फोटोग्राफ्स भी बहुत ही खूबसूरत थे, और तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारी एक तस्वीर को इंटरनेशनल फोटोग्राफर एकेडमी से एक इनाम मिला है। वेल डन बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बैठो, टेक योर सीट, बैठो ना। अजय, एक और खुशखबरी है। तुम तो जानते हो कुछ अरसे से हम एक स्पोर्ट्स मैगजीन शुरू करना चाहते थे, उसके लिए फाइनेंस का इंतजाम हो गया है, अब हम अगले महीने से वो मैगजीन निकाल सकते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। तुम्हें ये जान के और भी खुशी होगी कि इस मैगजीन का सारा चार्ज हम तुम्हें दे रहे हैं। तुम इस मैगजीन के एडिटर होगे और तुम्हारी तनख्वाह होगी 4,000 रुपए महीना। प्रीति, प्रीति, अरे कहाँ हो भाई? प्रीति, अरे ओ प्रीति! ओफो, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? प्रीति, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या हो गया तुम्हें? प्रमोशन, माय लव, प्रमोशन। मुझे हमारे स्पोर्ट्स मैगजीन का एडिटर बना दिया गया है, और मैम साहब आपके पति की तनख्वाह कुछ 4,000 रुपया महीना होगी। 4,000? ओह अजय, मैं जानती थी ये दिन आना ही था। 4,000? क्या 4,00,000 भी तुम्हारी मेहनत और काबिलियत के सामने कुछ नहीं? नहीं प्रीति, तुम मेरे साथ ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तुम हर हाल में मेरे साथ खुश रही, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती रही। You're very lucky for me. Let's celebrate. Of course. Champagne? Whiskey? नहीं। Beer? नहीं बाबा। कोई बात नहीं, चलो मुंह ही मीठा कर लेते। मेरी दाल जल गई। अरे अभी क्यों जलनी थी?
ओह मम्मी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो प्रीति? आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर तो आइए। अजय कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं। जानती है मम्मी, उन्हें प्रमोशन मिला है। उनके काम से खुश होकर बॉस ने उन्हें एक मैगजीन का एडिटर बना दिया है और उनकी तनख्वाह 4000 रुपए महीना होगी। हाँ, लेकिन आपको? तुम क्या समझती हो ये प्रमोशन उसकी काबिलियत की वजह से मिला है? नो माय डियर, ये तुम्हारे डैड की मेहरबानियों का नतीजा है। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम्हें आराम मिल सके, ये घर इंसानों के रहने के लायक बन सके और सोसाइटी में हमारी इज्जत बनी रहे। मम्मी, ये डैड ने अच्छा नहीं किया, अगर उन्हें पता चल गया तो वो... तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तुम उसकी बीवी हो, ये घर तुम्हारा भी है। एनीवे, मैं तो ये कहने के लिए आई थी कि आज शाम को तुम्हारी आंटी और रेशमा तुम्हारे घर खाने पर आ रहे हैं। मैंने म्यूजिक और ड्रिंक्स वगैरह का इंतजाम करवा दिया है, बाकी की तैयारी तुम कर लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। मिस्टर सक्सेना? हाँ मिस्टर अजय। मैं जा रहा हूँ, ये फोटोग्राफ्स आज के एडिशन में भेज देना, बहुत जरूरी है। ठीक है, आज ही भिजवा दूंगा। बॉस इज इन सर? यस ही इज इन। भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सच है, अगर आपका फाइनेंस ना होता तो हम ये मैगजीन निकालने में कभी कामयाब ना होते। मिस्टर माथुर, आपकी इस कामयाबी में मैं अजय की कामयाबी देखना चाहता हूँ। अब वो हमारा दामाद है, मैं चाहता हूँ कि उसका स्टेटस बढ़े ताकि वो हमारी सोसाइटी में उठने बैठने के काबिल हो जाए। आप इत्मीनान रखिए, आपके कहने के मुताबिक मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी है, बल्कि इस मैगजीन का इंचार्ज भी बना लिया। सर, इसका मतलब ये है मेरी काबिलियत, मेरी मेहनत कुछ भी नहीं, जो कुछ है सेठ साहब की दौलत है। मेरी तरक्की मेरी अपनी नहीं, सेठ साहब की खैरात है। मेरी बढ़ी हुई तनख्वाह आप नहीं देंगे, सेठ साहब की तिजोरी देगी। अजय, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने हमेशा तुम्हारी काबिलियत और मेहनत की इज्जत की है। और आज उसी इज्जत को आपने एक दौलतमंद के कदमों में डाल दिया। माँ बाप के पांव छूने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। नहीं सर साहब, आप जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, अपनी झूठी शान के लिए करते हैं। आपको डर है कि कोई आपसे यह ना पूछ बैठे कि आपका दामाद करता क्या है, इसलिए आप उसे दौलत का लिबास पहनाकर अमीरों की नुमाइश में पेश करना चाहते हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं, इसलिए कि रेशम में टाट का पैबंद कभी अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी में हमारी एक हैसियत है, इज्जत है, रुतबा है, जिन्हें हम तुम्हारी गुर्बत के लिए नीलाम नहीं कर सकते। और तुम हो कि अपनी गरीबी का चोला उतारने के लिए तैयार नहीं। ये इज्जत जिसे तुम खुददारी समझते हो, खुददारी नहीं, तुम्हारी बदनसीबी है। नसीब ऊपर वाले की कलम से लिखा जाता सेठ साहब, सोने की कलम से नहीं। यह आपका नसीब है कि मैं आपका दामाद हूं, और शायद ये मेरी बदनसीबी है कि आप मेरे ससुर हैं। अजय, तुमने आने में बहुत देर कर दी। राइट भाई, तुम्हारे पीछे हमने बहुत एंजॉय किया, डांस किया, ड्रिंक किया, वी रियली एंजॉयड। लेकिन
ये प्रीति ने हमारा साथ नहीं दिया। I don't know why। अजय, तुम चाहते हो तो बहुत बड़ा घर ले सकते थे। But no। आजकल वेस्ट में भी छोटे छोटे हट्स और कॉटेजेस में रहने का क्रेज हो गया है। But what a glamorous flat! Beautiful furniture! And sweet smuggled whiskey! एक इंसान को जिंदगी में और क्या चाहिए? But you are a very lucky man. I tell you, very lucky. जी हाँ, जिसकी बीवी एक अमीर बाप की बेटी हो, उसके घर की इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें आ ही जाती हैं। ये घर है, कोई शराब खाना नहीं। तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो, सेठ भानु प्रताप की बेटी बनकर नहीं। मैं बीवी हूँ, गुलाम नहीं। घर में मेहमान आ गए थे तो क्या उन्हें घर से बाहर निकाल देती? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, अपनी हैसियत से ऊंचे मेहमानों को बुला बुला कर मुझे मेरी नजरों से मत गिराया करो। तुम तो जरा जरा सी बात पर अपनी नजरों से गिर जाते हो। अपने से ऊंचे लोगों में उठना बैठना तो तुम्हें पसंद ही नहीं। इसलिए अपने बाप से कहकर मेरी तरक्की करवाई, मेरी हैसियत बढ़ाने की कोशिश की, मुझे ऊंचा उठाना चाह। ये झूठ है। ये सच है। जब शादी से पहले तुम्हारे बाप की दौलत मुझे खरीद ना सकी, तुमने कैसे सोच लिया? अब मैं बिक जाऊंगा, मेरे उसूल टूट जाएंगे। अगर अगर डैड ने हमारे लिए कुछ करना चाहा, तो इसमें क्या बुराई है? तुम तो खामखा बात बढ़ा देते हो। तो तुम इसे खत्म करना चाहती हो? साफ साफ क्यों नहीं बताती प्रीति, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, तुम्हें मेरा साथ गवारा है या नहीं? ऐसे साथ का क्या फायदा जिसमें दुख के सिवा और कुछ ना हो? तुम्हारी जिद और गलत उसूलों के साए में रहकर दम घुटता है मेरा। दम घुटता है तुम्हारा? तो क्यों पड़ी हो इस घर में? अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं चली जाती? जो दुख देते हो कब की चली जाती? लेकिन सोचती हूँ, जिन माँ बाप से लड़कर तुमसे शादी की, वापस उनके घर चली जाऊंगी तो दुनिया क्या कहेगी? ओ, तो दुनिया के डर से तुम इस घर में पड़ी हो? इस घर की इज्जत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं जान गया हूं प्रीति, एक दौलतमंद माँ बाप की बेटी के लिए एक गरीब पति कभी राज नहीं आ सकता। तुम अभी और इसी वक्त अपने माँ बाप के घर चल जाओ। मैं सुबह उठकर तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। मर के भी कभी जो खत्म ना हो ये प्यार का वो अफसाना है। तुम्हारा झुका हुआ सर और आंखों में बेबसी के आंसू बता रहे हैं, वही हुआ जिसका हमें यकीन था। अब एहसास हुआ कि माँ बाप भी कुछ होते हैं। जाओ अपने कमरे में जाओ और सोचो इस जिद में तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। आज गैस खत्म हो गई थी इसलिए होटल से खाना ले आई हूं। मैं यही घर में खाना बना देती हूँ, क्योंकि हमारे साहब को तो होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि होटल वाले खाने में प्यार नहीं डालते। क्या बात है बेटा? भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। जिसके हाथों का खाना खाने की तुझे आदत पड़ चुकी है मैं जानती हूँ, उसके बिना तेरा दिल नहीं लगता। प्रीति को गया आज एक हफ्ता हो गया है, मामूली सा झगड़ा ही तो हुआ था ना, तुमने एक दूसरे को ना देखने की कसम तो नहीं खाई है ना? जा बेटा जा, उसे मना ले। मैं क्यों मना मौसी, वो खुद नहीं आ सकती। क्या ये घर उसका अपना नहीं है? अगर वो मेरा घर होता तो जरा सी बात पर नाराज होकर ये क्यों कहता कि बाप के घर चली जा? उसने गुस्से में ये कह भी दिया,
तो तू क्यों उसे छोड़कर चली आई? बेटी, रूढ़े पति को मनाना और अपना घर बसाए रखना ही औरत का धर्म है। और उसका कोई फर्ज नहीं, वो भी तो मुझे लेने आ सकता था। अगर तेरा पति ये उम्मीद करता है कि बात करने में पहल तू करे, तो ये उसका हक है। बेटी, आज तुझे अपना घर छोड़े 15 दिन हो गए। पति पत्नी एक दूसरे से इस तरह दूर रहे तो मोहब्बत का रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होकर टूट भी सकता है। तुम्हारी तनख्वाह? तनख्वाह? हाँ मौसी, मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है। मैं आज शाम ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे कुछ कहने का अधिकार तो नहीं, लेकिन बेटा मेरी एक बात मानोगे? क्या बात है? जाने से पहले एक बार प्रीति से जरूर मिल लेना। मेरा दिल कहता है कि वो भी अपना घर छोड़कर जरूर पछता रही होगी। सामने जाओगे तो शायद तुम जाने का इरादा बदल दो और वो लौट आए, फिर से ये उजड़ा हुआ घर बस जाए। जानती हूँ बेटी, तू उसे कभी नहीं भूल सकती, लेकिन जरा सोच उसका क्या हाल होगा। उसका तो तेरे सिवा कोई भी नहीं। जा उसे फोन कर ले, इस वक्त वो ऑफिस में होगा। जा बेटी। यस अजय साहब है? वो तो नौकरी छोड़ गए। ही हैज लेफ्ट द जॉब। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। आज तक जो तुम चाहते रहे होता रहा, अब जो वो चाहती है होने दो। वो क्या चाहती है? वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। जी मैं हैरान हूं, इतने दिन उसने तुम्हारे साथ कैसे गुजारे? जिसने जिंदगी में दुख ना देखे हो, गुर्बत में उसके सर से मोहब्बत का भूत एक ही दिन में उतर जाता है। यह रहा आपका पासपोर्ट और लंदन का टिकट। थैंक यू। आपकी शॉपिंग के लिए पाउंड्स का इंतजाम मैंने लंदन में ही कर दिया है। और हाँ, अगर प्रीति को कोई चीज मंगवानी हो तो उससे पूछ लीजिए। डैड। अरे आओ बेटी आओ, हम लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अगर लंदन से कोई चीज मंगवानी हो तो अपनी मम्मी को लिस्ट दे देना। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अजय से मिलने चली जाऊं। उसने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसके बावजूद भी? वो मेरे पति हैं। पति है तो क्या हुआ? आजकल वो जमाना नहीं रहा कि पत्नी पति को परमेश्वर समझती थी और जिंदगी भर उसकी पूजा करती थी। आज तो पति पत्नी 50-50 के पार्टनर्स हैं। उसे अगर तुम्हारी जरूरत होती तो वो खुद नहीं आ सकता था? बेटी, तुम्हारी शादी के बाद हम चाहते थे कि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बसा रहे, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। खैर, तुम्हारी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर मैं अजय से मिलने जाऊंगा। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है तो मैं उसे अपने साथ लेता आऊंगा। चलो कामिनी।
आपने कैसे तकलीफ की? बेटी का बाप जो ठहरा, प्रीति की जिद ने आज मुझे दोबारा यहां आने पर मजबूर कर दिया। पहली बार आप अंधेरे में आए थे, इसलिए सौदा जम नहीं सका। आज रोशनी है, कहिए इस बार क्या खरीदना चाहते हैं? तुम्हारी रजामंदी। किस बात की? ये क्या है? तलाकनामा। इस पे दस्तखत कर दो तो सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये रही इसकी कीमत। थैंक यू। ठहरिए सेठ साहब। ये पैसे अपने पास ही रखिए, आपकी बेटी की दूसरी शादी में दहेज के काम आएंगे। ओफो, कितनी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, जानती है कौन आने वाला है? भागे। बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हो बेटी। आज मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ तुमने किया है, उसने नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन मेरा कहा मान लिया होता तो आज मुझे यह सब कुछ न सुनना पड़ता। क्या कहा जैने? उसने तुम्हारा अपमान किया, हमारे खानदान पर कीचड़ उछाला और सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये देखो, उसने साफ साफ कह दिया, प्रीति से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। ओ शर्मा जी, इन छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ठीक है, 5 लाख का कोटेशन भेज दीजिए। ओके। यस डॉक्टर। फिक्र की कोई बात नहीं, शीज ऑल राइट। वैसे आपके दामाद कहाँ हैं? क्यों? अगर वो यहां से दूर हैं तो उन्हें खबर भिजवा दीजिए, प्रीति जल्द ही मां बनने वाली है। व्हाट? मुबारक हो सेठ जी, भगवान करे बच्चा ऐसी तकदीर लाए जो बिछड़े हुए मां बाप को मिला दे। कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ डैड, अब वो मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो जब भी खबर सुनेंगे तो इतने खुश होंगे कि गुजरी हुई सारी बातें भूल जाएंगे। पागल मत बनो प्रीति। मेरा घर फिर से बस जाएगा डैड, खुशियों से भर जाएगा। मुझे जाने दो डैड। अजय, अजय मैं आ गई हूँ। अजय, अजय दरवाजा खोलो। अजय, अजय। तीनू चाचा, तीनू चाचा कहाँ गए हैं वो? तुमने बहुत देर कर दी बेटी, वो कल ही शहर छोड़कर चला गया। कहाँ? ये तो कुछ बताकर नहीं गया, कहता था जहां जिंदगी ले जाएगी चला जाऊंगा। प्रीति वहीं लौट आई है जहां से चली थी, लेकिन ये बच्चा, क्या सोच रहे हो? वक्त का रुख मोड़ दो और उसे पीछे चलने पर मजबूर कर दो।
आया? यस सर। हमारे सफर की तैयारी करो, हम प्रीति को लेकर पहाड़ पर जाएंगे, उसका पहला बच्चा वहीं पैदा होगा। यह हत्या है, मैं किसी भी कीमत पर यह बच्चा जाया नहीं कर सकती। आपको ऐसा करना ही होगा डॉक्टर। मेरे सामने एक जिंदगी का सवाल है और फिर बच्चा वक्त से पहले हो रहा है, हो सकता है आपकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़े। कुछ भी करो डॉक्टर, हमारी इज्जत पे लगने वाले इस दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। नहीं सेठ साहब, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा, अगर आप उसे नहीं अपना सकते तो किसी और को गोद दे दीजिए। शंकर चाचा, डॉक्टर साहब ने कहा है आप हफ्ते भर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और फिर दुकान तो मैं संभाल ही रहा हूँ। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है जी बेटा, जब से तुम आए हो काम बढ़ता ही जा रहा है। इस बार पहाड़ पर बहुत टूरिस्ट आए हैं, लगता है बिजनेस भी अच्छा होगा। मैं चलता हूँ फोटोग्राफ सर्जन डेवलप करने। अच्छा बेटा जाओ काम पहले, कल मैं फिर आऊंगा। जीते रहो जीते रहो। प्रीति 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 प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ साहब, प्रीति को कुछ हो गया। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो माँ बनने वाली है। माँ? हाँ, ये बच्चा शहर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन लेकिन क्या सेठ साहब? प्रीति दूसरी शादी करना चाहती है और वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी खुशियों के रास्ते में ये बच्चा कभी भी दीवार बन सकता है। वो बच्चे को नहीं अपनाएगी? जिससे नफरत हो जाए उसकी किसी चीज से प्यार नहीं होता। आप उस बच्चे का क्या करेंगे? किसी अनाथ आश्रम में दे दूंगा। नहीं सर साहब, बाप के होते हुए बच्चा अनाथ आश्रम में पले, ये एक दौलतमंद बाप ही सोच सकता है, गरीब नहीं। उसकी अमीर मां दूसरी शादी करना चाहती है तो शौक से करे, बच्चा उसका गरीब बाप पाल लेगा। सर साहब, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बच्चा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इस बात का वादा करो आज के बाद तुम प्रीति से कभी नहीं मिलोगे। मुझे मंजूर है। क्या बेवकूफी कर रहे हो भानु प्रताप? अजय कभी भी इस बच्चे को लेकर प्रीति के सामने आ सकता है और उसकी आने वाली जिंदगी में जहर घोल सकता है, फिर उसका क्या भरोसा? कल उसने तुम्हारे जायदाद में से हिस्सा मांग लिया तो? अमीरों का महल नहीं, एक गरीब की झोपड़ी है। मैं पूछती हूँ मेरा बच्चा कहाँ है? तुम चुप क्यों हो सिस्टर, बोलती क्यों नहीं? बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ बताओ ना, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा सिस्टर? डैड डैड, मेरा बच्चा कहाँ है डैड? बोलिए ना डैड, प्लीज।
ये सब चुप क्यों है डैड? ये बताती क्यों नहीं? आप ही बताइए ना डैड, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। नहीं, नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मेरा बच्चा नहीं। मत रो बेटे, मत रो। तू शायद अपनी मां के लिए रो रहा है। तू समझ ले, तेरी मां तेरे लिए मर चुकी है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है। तड़पता छोड़ गए जो, क्यों प्यार में आता है ये सोच के दिल घबराता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। जो तू भी न होता पास मेरे, तन्हाई मुझे डसती रहती, सौ बार बहल जाता है ये दिल, एक बार जो तू मुस्काता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता।
प्रीति की हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। मैं उसके कमरे में गई थी, वही दीवानगी खिलौने से अपनी ममता को बहला रही थी। मुझ पर नजर पड़ी तो उसने खिलौना भी अपने आंचल में छुपा लिया। लगता है वो हमसे नफरत करने लगी है। वो समझती है कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं कि उसका बच्चा मर चुका है। हेलो बेटे, आज हमारा बेटा अपने पापा से नाराज क्यों है? तुम्हारी घड़ी कहाँ है पापा? ये तो है, 2 घंटे पीछे है क्या? ओह सॉरी, आ जाने में फिर देर हो गई। अपने पापा को माफ कर दो। आज तुम फिर शराब पी कर आए हो ना पापा? हाँ बेटे। तुम क्यों पीते हो पापा? तुम्हें भी मेरी माँ की याद आती है? तुम मुझे मेरी माँ का पता बता दो, मैं जाकर उसे ले आऊंगा। चलो बेटे चल के सोते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। पापा, ओ पापा उठो ना, काम पर नहीं जाना है। अरे बाबा चाय भी ठंडी हो जाएगी। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? और ये कौन सा तरीका है जनाब जगाने का? जगाने का नहीं, नींद भगाने का। ये क्या तरीका है जनाब जगाने का? जगाने का नहीं, नींद भगाने का। माफ कीजिएगा सेठ साहब, आपकी बच्ची का इलाज मेरे पास तो नहीं। अगर आप भी इस तरह मायूस हो गए तो। हमारी एक ही बच्ची है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जितनी दौलत चाहे ले लीजिए, मगर हम अपनी बच्ची को इस तरह आंसू बहाती हुई और नहीं देख सकते। उसे पहले की तरह हंसती खेलती, जिंदगी से प्यार करने वाली प्रीति बना दीजिए। सेठ साहब, साइंस एक बुझी आंख को रोशनी, एक खामोश दिल को धड़कन तो दे सकती है, लेकिन ममता का जख्म नहीं भर सकती। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसका बच्चा मर चुका है। आप उसे प्यार से समझाइए।
होश में आओ प्रीति, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। नहीं नहीं, यही मेरा बच्चा है, यही मेरा बच्चा है। तुम इसे मार डालोगे, तुम इसे मार डालोगे। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। तुम्हारा बच्चा मर चुका है प्रीति, मर चुका है। नहीं नहीं, यही मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मुझे मेरा बच्चा वापस। जिसे तुम अपना बच्चा समझते हो वो सिर्फ बेजान खिलौना है, लो इसे देखो। और जब तक ये खिलौना तुम्हारे पास है ना तुम्हें जीने देगा ना हमें जीने देगा। नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस। छोड़ दो प्रीति, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा बच्चा, ओह मेरा बच्चा। प्रीति बेटी, इस तस्वीर से प्रीति में एक नया रिएक्शन हुआ है। एक अरसे के बाद वो आज खुलकर रोई है। ये तस्वीर कहां ली गई थी? मेरे ख्याल से प्रीति जब शिमला गई थी तब की ये फोटो है। अगर प्रीति को दोबारा उसी माहौल में ले जाया जाए तो मुमकिन है उसका ख्याल दूसरी तरफ मुड़ जाए और उसके दिमाग का ये ऑब्सेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। प्रीति बेटी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बेटी, तुझे चोट तो नहीं आई? तुझे चोट तो नहीं आई? लो पापा, ये लो, चलो भागो 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 और दूर से। बेटे, तुझे चोट तो नहीं आई? क्या हुआ विकी, तुझे चोट तो नहीं लगी? पापा ये देखो, यहाँ से भी आवाज आई थी। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे। ये दिल है ना? हाँ बेटे। ये किसका दिल है? बोलो ना पापा, ये किसका दिल है? ये तुम्हारी माँ का दिल है बेटे। पापा, मैंने अभी भी माँ की आवाज सुनी थी, इस दिल में से आई थी। उसने कहा, बेटे तुझे चोट तो नहीं आई? नहीं बेटे, ये दिल मर चुका है। इस दिल से अब कभी आवाज नहीं आएगी। सुनिए भाई साहब, इस जंगल में आपने ऐसा पेड़ देखा है? साहब जी, ऐसे पेड़ तो यहाँ बहुत लाखों हैं और जंगल में लकड़ियों की कटाई भी होती रहती है, कौन जाने ये पेड़ है भी या कट गया हो। धन्यवाद, चलो बेटे। पापा, पता है कल टीचर ने क्या कहा था? क्या बेटे? टीचर ने कहा था कि तुम्हारी यूनिफॉर्म बड़ी साफ रहती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती है। तो मैंने कहा, ये सब तो मेरे पापा करते हैं, मेरी मम्मी तो है ही नहीं। जाओ बेटे, देर हो रही है। बाय पापा। सेठ साहब, खड्डा नहीं दिखाई देता, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। आई एम सॉरी बेटे। सॉरी क्या, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, सब बच्चे मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो एक काम करो, धुलवा लेना। क्या मुसीबत है। तुम, ये टायर तुमने पंचर किया है? जी हाँ, ये लीजिए, हवा भरवा लेना।
इस तरह कब तक आप प्रीति को लेकर इधर उधर घूमते रहेंगे? इतना स्टैंड उसके लिए अच्छा नहीं। आपकी बेटी पहले ही जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी है। हमने तो सोचा था कि इस माहौल का प्रीति पर कोई असर होगा और वो फिर से जिंदगी में वापस लौट आएगी, मगर मेरी राय में आप अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। मुझे डर है कि यहां का सर्द मौसम शायद उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, हम आज ही प्रीति को यहां से लेकर चले जाएंगे। प्रीति, प्रीति कहां है? इतनी बड़ी होकर आप गुड्डे से खेलती हैं? ये मेरा बेटा है। ये तो एक खिलौना है, बेटा ऐसा थोड़ा ही होता है। फिर कैसा होता है? मेरे जैसा, लेकिन मेरी माँ नहीं है। कहाँ है तुम्हारी माँ? पता नहीं, पापा भी नहीं बताते, लेकिन मेरे पास माँ का दिल है। सच कहता हूँ, जब मुझे माँ की बहुत याद आती है मैं उस दिल के पास चला जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे मेरी माँ का दिल? हाँ। तो फिर आइए मेरे साथ, आइए ना। प्रीति बेटी, प्रीति बेटी। थैंक गॉड तुम मिल गई, हम तो परेशान हो गए थे बेटी। अरे तुम यहाँ भी पहुँच गए, चलो भागो यहाँ से। चलो प्रीति, चलो। बेटा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है प्रीति। अरे तो बहुत बदमाश है, इसने मेरा टायर पंचर कर दिया था। चलो भागो। चलो बेटी, बेटी। चलो बेटी। पापा, पापा, पापा। क्या बात है बेटी? पापा, मेरी माँ कैसी है? आज तुझे तेरी माँ कैसे याद आ गई? पापा, आज मैंने एक औरत को देखा, बहुत अच्छी थी। मुझे लगा जैसे वो मेरी माँ है। कौन थी वो? पता नहीं, लेकिन वो एक सेठ जी के साथ आई थी। सेठ जी के साथ? सेठ की बेटी होगी बेटे, और ये जो सेठों की बेटियां होती हैं ना, बच्चे तो पैदा कर लेती लेकिन माँ नहीं बनती। तो फिर कैसी है मेरी माँ, बताओ ना पापा। तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है बेटे। नहीं, वो नहीं मर सकती, तुम झूठ बोलते हो। प्लीज पापा, बताओ ना पापा, बताओ ना, वरना मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विकी! तुझे तेरी माँ बहुत याद आती है। वो माँ है ना पापा? मैं तेरा पापा हूँ बेटे। तो फिर क्यों नहीं बताते मेरी माँ का पता? प्लीज पापा, बताओ ना मेरी माँ कौन है। तू एक गरीब का बेटा है ना, इसलिए तुझे भी वही याद आती है जो तुझे भूल चुकी है। Thank you.
अच्छी तो है आप तो अच्छे हैं। जिंदा हूं, आप तो सुखी हैं। मेरे दुख सुख का पूछने वाले आप कौन हैं? यूं ही इंसानियत के नाते पूछ बैठा था। क्यों?
जब हर नाता तोड़ चुके हो तो ये नाता कैसे याद रहा? नाता मैंने तोड़ा था। चली जाओ अपने माँ बाप के घर, ये मैंने कहा था। मैंने कहा और तुम चली गई, हाँ? ये क्यों नहीं कहती कि मेरे घर आने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि शादी करके तुमसे भूल हुई? मैं रूठ कर इसलिए चली गई थी कि तुम मुझे मनाने आओ। हाँ मैं आया था, मैं तुम्हें मनाने आया था। अपनी गलत के मुंह पर तमाचा मारकर पहुंचा था तुम्हारे आलीशान महल के दरवाजे पर, लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मुझसे तलाक चाहती हो। तलाक मैं लेना चाहती थी? ये झूठ है। मैंने डैड को तुम्हारे घर भेजा तो तुमने उन्हें जलील किया, दस्तखत करके तलाकनामा उनके सामने रख दिया। मैंने तलाकनामा दिया? हाँ, यहाँ आकर बच्चे को जन्म देने की घटिया चाल भी तो मेरी ही थी। ये क्यों नहीं कहती कि वो बच्चा तुम्हारी दूसरी शादी में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता? ये झूठ, ये सच है। तुम्हारे दौलतमंद डैडी मेरे बेटे को अनाथ आश्रम छोड़ा है। अगर तकदीर मुझे वहां नहीं ले जाती तो आज तुम्हारा बेटा मां की ममता से ही दूर नहीं, अपने बाप के प्यार से भी महरूम रह जाता। प्रीति, मैंने उसे तुम्हारे दूध की जगह अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। मैंने उसे बाप बनकर भी पाला और मां बनकर भी। और मैं खिलौने को अपना बच्चा समझकर परसों अपनी ममता को धोखा देती रही। वो जब जब तुम्हारे बारे में पूछता, मैं तो उसे ये भी नहीं कह सकता कि तू अपनी मां का नाम मत ले बेटे, उसकी ममता सोने के कफन में दफन हो चुकी है। बताओ मैं उसे इस सवाल का क्या जवाब देता? डैड, डैड ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। डैड, डैड, आपने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा मर गया। आपने कहा कि अजय ने मुझे तलाक दिया। डैड, क्यों मुझसे झूठ बोले? डैड, मेरी जिंदगी से इतना बड़ा खेल क्यों खेले? डैड, क्यों, क्यों? चुप हो जा प्रीति, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। दौलत के गुरूर ने हमें अंधा बना दिया था, इंसानियत से गिरा दिया था बेटी, गिरा दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी, मैं दौलत से तुम्हारे लिए खुशियां खरीदने चला था। दौलत ही मेरी जिंदगी के उसूल बनकर रह गई थी, लेकिन आज आज वो सुनहरे उसूल मिट्टी में मिलकर रह गए। डैड, उसूल ऐसे नहीं होने चाहिए जो औलाद को जिंदा न रख सके, उन्हें जीते जी मार दे। लेकिन अजय, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारा घर मैंने बसाया था, फिर मुझसे क्यों नहीं मिले? एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम आए थे और तुम्हारे बाद मौत आएगी अजय, मौत। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूं, मुझे अपनी बाहों में ले लो अजय। मैं अपने डैड के घर नहीं, तुम्हारे दर पे मरना चाहती हूँ, तुम्हारे दर पे। तुम रही हो प्रीति तो तड़पा मैं भी बहुत हूं। अब जो आई हो मुझे छोड़कर मत जाना प्रीति, मुझे छोड़कर मत जाना। अजय, अजय। पापा, ओ पापा, मम्मी को मैं लाया और गले तुमने लगा लिया। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी।